हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको सॉफ्ट चपाती कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाली हूँ। आज हमारे घर पे एक मेड आई है, तो फिर वो चपाती बना रही है, तो फिर बहुत ही बढ़िया चपाती बना रही है। तो फिर मैंने सोचा उसका वीडियो बना के और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दिखा दूँ। तो फिर मैंने डो ले लिया है और थोड़ा सा उसे राउंड बॉल बना के उसे डस्टिंग पाउडर लगा के, या फिर इसे सूखा आटा भी कहते हैं, वो लगा के और इसे अच्छी तरीके से रोल कर रहे हैं हम अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे अच्छी तरीके से फ्लैट बना देंगे। थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे सूखा आटा आटे को और इसे फिर से बेलने शुरू कर देते हैं, जब तक ये अच्छी तरीके से गोल और थोड़ा सा पतला बन जाता है तब तक इसे बेल लेते हैं। अब ये हो चुका है, अब तवा के ऊपर डाल देते हैं। गैस फ्लेम हाई है, अभी इसे 2 मिनट तक इसे रोस्ट करेंगे। तब तक और एक बॉल को रोल कर देते हैं। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल बना देते हैं। अब ये थोड़ा सा फूल रहा है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के इसे पलट देते हैं और ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर देते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा चपाती बनके रेडी हो रहा है। और अब हम इसको सूखे आटे में डाल के एक्सेस उसको सूखा आटा निकाल देते हैं और इसे बेल लेते हैं फिर से। आप इसे पलट के अच्छी तरीके से दोनों साइड्स हल्का सा ब्राउन स्पॉट्स या फिर गोल्डन स्पॉट्स होने तक इसे रोस्ट करें। आप देख सकते हैं कैसा बन रहा है। अब हम इसे बेल लेते हैं अच्छी तरीके से, जो ट्रायंगल से अच्छी तरीके से गोल बनाना है और पतला बनाना है, और सूखा आटा कितना कम हो सके उतना डाल के आप इसे अच्छी तरीके से बेल लें। सूखे आटे बहुत ज़्यादा लगाने से आपके चपाती बाद में ड्राई होने लगता है और टेस्ट भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब ये हो चुका है, आप देख सकते हैं, इसे भी ऐसे ही करके और एक चपाती बना रहे हैं यहाँ पे। इसे भी ऐसे ही करके गोल बना के चपाती बना लेंगे। कितना पतला आप बना सकते हो उतना अच्छी तरीके से बना लीजिए। और अब हम इसे तवा में डाल देते हैं। ये एक मेथड हो गया है, और दूसरा मेथड का चपाती अब हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ऐसे थोड़ा छोटा छोटा ऐसे राउंड राउंड बॉल्स बना के रख दीजिए और उसे सूखे आटा लगा के इतना इतना पूरी जैसे इसे कर दीजिए। सारे अब हम यहाँ पे कर लिया है। जो नॉर्मल चपाती के डो हम लेते हैं उससे भी कम लेना है यहाँ पे, क्योंकि हम 2 डो से इसे बनाने वाले हैं। अब ये हो चुका है सारा, अब हम इसे स्प्रेड कर देते हैं सारे को। हाफ को अभी करेंगे और एक साइड इसके ऊपर तेल ग्रीस कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर जो प्लेन और एक हमने बेल के रखा था उसके ऊपर रख के जोड़ के साइड पे रखते हुए जाएंगे। बाकी भी ऐसे ही करेंगे। सब करके रख दिया है। अब यहाँ पे 2 हमने जोड़ के रखा था उसको सूखे आटे में डाल के ऐसे बेल लेते हैं। ये प्रोसेस तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो ट्रायंगल से जो गोल बना के चपाती बनाते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। और इसे तो गोल बनाना कितना आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे इसे अच्छी तरीके से गोल बना लेते हैं। अब हम इसे तवा के ऊपर डाल देते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल हमने स्प्रिंकल कर दिया था इसके ऊपर, अब और एक बना के सिखा देंगे इधर।
दो जॉइंट किए हुए आटे का डो को हमने लेके थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बेल रहे हैं यहाँ पे। ये इजीली राउंड हो जाता है अच्छी तरीके से। अब हम इस साइड ध्यान देंगे, अब ये बबल्स आ रहा था। अब हम इसे अच्छी तरीके से पलट के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर देते हैं। अब इस साइड हम और थोड़ा सा इसे बेल लेंगे, इसे अच्छी तरीके से पलट पलट के और एक मिनट तक इसे रोस्ट करने के बाद ये रेडी हो जाएगा, इसे निकाल देंगे। जो ट्राइंगल से बनते हैं चपाती वो बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट रहता है। ये भी सॉफ्ट रहता है लेकिन इससे भी ज़्यादा वो सॉफ्ट और अच्छा बन के रेडी हो जाता है। अब ये भी हो चुका था, अब हमने इसे भी तवा के ऊपर डाल के थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा बबल्स आ रहा था तो फिर हमने इसे पलट लिया और थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसे पलट पलट के अच्छी तरीके से रोस्ट करके निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से फूल रहा है। इसे थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा इसे प्रेस करें ताकि जो अच्छी तरीके से जो बने हुए नहीं पकाए हुए जो कच्चा रहता है वो भी रोस्ट हो जाएगा। जो हमने जो जोड़ के बनाया था चपाती उसका लेयर्स अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से इजीली ये लेयर्स निकल रहा है। इसे खाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसे थोड़ा सा ऐसे निकाल के धीरे से इसे खींच लेना है। मैंने यहाँ पे 2 तरीके से चपाती कैसे बनाते हैं ये सिखा लिया है मैंने यहाँ पे इस वीडियो में। तो फिर आपको कौन सा इजी लगे और कौन सा आपको बहुत पसंद है तो फिर आप उसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस वीडियो को आपने लाइक किया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।